ये इसराइल से एक रिक्वायरमेंट आई थी कि तकरीबन 10,000 हमें कंस्ट्रक्शन लेबर्स को इसराइल में नीड थी। इसमें चार सेक्टर प्रमुख रूप से थे, बार बेंडर इसमें रिक्वायर्ड थे, टाइल वर्कर्स रिक्वायर्ड थे, प्लास्टरिंग वर्कर्स रिक्वायर्ड थे, और कारपेंटर में जो फ्रेमवर्क वर्कर्स होते हैं ये रिक्वायर्ड थे। ये चार सेगमेंट को लोग रिक्वायर्ड थे, और उसी क्रम में ये कार्रवाई शुरू की गई। और इसमें 10,000 उनकी अभी इनिशियल वैकेंसी थी, उसके अगेंस्ट में तकरीबन 11,000 श्रमिकों को, जो कुशल श्रमिक थे हमारे इन चारों सेक्टर्स में, उनका चिन्हांकन पूरे प्रदेश भर में किया गया है, और हर जनपद हर मंडल से इसमें लेबर सेलेक्ट हुए हैं। इसराइल की टीम उत्तर प्रदेश में 23 जनवरी को से आई है, और तब से टेस्टिंग की कार्रवाई लगातार चल रही है। 23 जनवरी को इसका एक लॉन्च इवेंट भी हुआ था, जिसमें कि ऑनरेबल श्रम मंत्री जी और ऑनरेबल शिक्षा मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, दोनों मंत्रियों के द्वारा संयुक्त रूप से इसमें एक कार्यक्रम कराया गया। और इसमें चूंकि कौशल प्राप्त युवा हैं, तो कौशल विकास और व्यवसाय शिक्षा के भी इसमें लोग आ रहे हैं, और उनका RPL वगैरह की बात चल रही है, और श्रम के तो खैर हैं ही, श्रमिक चुके हैं ये। तो कल से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, और 23 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी तक ये टेस्टिंग इसमें वर्कर्स की होगी। 26 जनवरी और 27 जनवरी छुट्टी रहेगी, 2 दिन का इसमें लीव है, उस समय नहीं टेस्टिंग होगी, बाकी दिन टेस्टिंग रहेगी। टेस्टिंग का जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक है। इसमें जो वर्कर्स हमारे चिन्हित हुए हैं, उनको इसराइल की एजेंसी ने अप्रूवल दिया हुआ है, वो सारे वर्कर्स भी आ रहे हैं। और कुछ संख्या में अगर कोई वर्कर सीधे भी आ जा रहा है, तो उसको भी हम लोग टेकअप कर ले रहे हैं, अगर जगह या टाइम बच रहा है तो, वैसी स्थिति में तो किया जा रहा है। मैं यहाँ आया हूँ लखनऊ अलीगंज ITI कॉलेज, ये क्या कहते हैं, श्रमिकों के लिए इजराइल से भर्ती निकली है। ये हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और क्या कहते हैं एक प्राइवेट कंपनी है, उसकी साझेदारी में ये जो भर्ती निकली है, और उत्तर प्रदेश से 10,000 श्रमिक भेजे जा रहे हैं, तो उनका परीक्षण हो रहा है यहाँ पर, टेस्ट। क्या कुछ मतलब लोग उत्सुक हैं जाने के लिए और क्या कहते हैं, और सारा ठीक ही है, लोग आ रहे हैं, नए नए मतलब अलग अलग जिलों से आ रहे हैं, और राजस्थान से भी आ रहे हैं यहाँ पे लोग, और क्या कहते हैं हरियाणा से भी लोग आप आ रहे कहाँ हैं। से आए? मैं मथुरा से। मथुरा से आए, हाँ। किस तरह का अनुभव रहा, लोगों ने किस तरह से आपको यहाँ समझाया, क्या इंटरव्यू हुआ, या क्या कुछ आपको तनख्वाह के बारे में बताया गया? इंटरव्यू एक नॉर्मल है, और काम आता हो तो उसके लिए मतलब यहाँ पे मतलब दरवाजे खुले हुए हैं बाहर, और क्या कहते हैं सैलरी के लिए इन लोगों ने, वो तो गवर्नमेंट ने पहले ही बता दिया है, और हमने जहाँ मथुरा श्रमिक ऑफिस में ये विभाग में ये अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे, तभी बता दिया गया था कि 1,39,000 रुपये हमारी सैलरी होगी, और क्या कहते हैं 15,000 UP गवर्नमेंट देगी हमें, और बोनस फंड के तौर पे। कितना कैसा लगना कमाई होगी? बहुत खुश हूँ, और क्या कहते हैं, और मतलब मेरे घर पे भी सब लोग खुश हैं, और क्या कहते हैं मैं काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहा था, और मैं यहाँ पे सफल नहीं हो पा रहा था, और मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मऊ से आए हम लोग। कैसा है यहाँ, क्या कुछ रहा, आए यहाँ किस तरह मुलाकात हुई, कहाँ पे आए, क्या कुछ अपडेट? हम लोग श्रम विभाग से रजिस्ट्रेशन करवाए थे, भारत सरकार की एक योजना है, चाहे जो भी मतलब इसराइल से मांगा गया है कि आप 1,00,000 श्रमिक दीजिए, जिसमें उत्तर प्रदेश के नाम पे 10,000 श्रमिकों की मांग है। तो उसमें हम लोग अपने ज़िले पर रजिस्ट्रेशन करवाए थे, रजिस्ट्रेशन के लिए अपने श्रम विभाग में जाएंगे, वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके 10 दिन बाद कॉल आ रही है आपके यहाँ कि फलाना तारीख को आपका आपका जो है इंटरव्यू लखनऊ ITI कॉलेज में है। फिर वहाँ से हम लोग मतलब सरकारी व्यवस्था से यहाँ तक आ रहे हैं, उसके बाद इंटरव्यू हो रहा है, उसके बाद अब देखिए फोन आएगा आप पास हैं कि फेल हैं, वो तो आपके काम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या लगा, किस तरह का, अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो क्या रहेगा, किस तरह? जैसे कुल मिला के यदि आप अपने काम से स्वयं संतुष्ट हैं तो पास हैं, मान लीजिए आप संतुष्ट नहीं है तो पास नहीं है। बाकी सैलरी वगैरह को लेकर के क्या बताएं? सैलरी देखिए जो भीड़ हो रही है यहाँ पे, सैलरी के लिए ही भीड़ हो रही है, लोग तो जानते हैं वहाँ यूँ चल रहा है, उसके बावजूद सैलरी के लिए ही लोग जा रहे हैं। हाँ, आज के डेट में सब चाहता है कि मैं अच्छा कमा लूँ। 1,37,250 रुपया तनख्वाह है।